तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार? तो आजकल मतलब YouTube पे कुछ आपको सुनने को मिल रहा होगा, एक पारस ऑफिशियल नाम का एक बंदा, मतलब मैं चाहता था उसका टिप्स एंड ट्रिक्स शायद कुछ डालता था जो कि मैं देखता नहीं था, तो मुझे पता नहीं था ये कौन बंदा है। बट इसने अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बोला था, तो पता आई डोंट नो क्या था ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोला था, तो उसके ऊपर पता है कुछ FIR हुआ है और वो अभी जेल के अंदर है शायद। अब अगर एक बात ध्यान से देखी जाए तो फिर MLA जो वहाँ के हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने एक ट्वीट किया था जो कि सबको पता है ट्वीट किया था, लेकिन वो इतना कुछ सेंस बनाता नहीं है वो ट्वीट, इस वजह से वहाँ का कुछ मतलब कुछ भी कुछ पता नहीं चल रहा था इस वजह से, क्योंकि वो उसमें जो भी बताया था टेंसेंट का शेयर है वो सब तो पबजी वाले पहले से कर चुके हैं, और गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही उन्होंने लॉन्च किया गेम, तो इतना ज़्यादा टाइम लगाया तो सब कुछ देख के लॉन्च किया होगा। बट जो भी हो देखते हैं, अभी ट्वीट किया था तो उस समय इतना कुछ से मतलब चल नहीं रहा था, बट अभी मतलब जब से ये पारस ऑफिशियल ने वीडियो बनाया तब से कुछ ज़्यादा ये चीज़ चल रहा है, तो देखते हैं वो कुछ भी दिक्कत ना हो। तो मुझे लगा कि यार ट्वीट किया तो कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक हफ्ते से कुछ वीडियो नहीं डाला, बट कल एक टीज़र आया तो थोड़ा दिल को राहत मिली। हाँ मतलब पता चल रहा है गेम आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब YouTube को सब लोग ऐसे मतलब आजकल करियर जो भी क्रिएटर्स हैं जिनका चैनल थोड़ी जल्दी ग्रो कर जाता है, ठीक है, उन्हें पता नहीं होता क्या टर्म्स एंड कंडीशन है YouTube की, तो उनको बस एक ही चीज़ लगता है ऐसा प्लेटफॉर्म है YouTube की, बस वीडियो डालो अर्निंग करो और अपना तो काम चल रहा है ना। तो वो सब नहीं सीखना, देखना है आपको, देखना है कि आपके साथ कितनी सारी जो भी पब्लिक है वो आपको देख रही है, 4 4 लाख 5 5 लाख पब्लिक अगर आपको देख रही है तो फिर कभी भी ऐसी चीज़ें मत बोलो जिससे पब्लिक को हर्ट हो, भले आपके 1K सब्सक्राइबर हो 2K सब्सक्राइबर हो, आप लोग कभी कुछ ऐसी चीज़ मत बोलो जिससे पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम हो। और बाकी अब क्या ही कह सकते हैं, चलो अब बात करते हैं गेम प्ले पे। तो गेम प्ले में यहाँ देख सकते हो आप लोग इतना 43 एलाई थे अभी भी, और इतना सर्कल छोटा हो चुका था। अब पीछे देखो एक गाड़ी आई थी ये सैक के ऊपर, अब यहाँ मेरे टीममेट शॉट्स ले रहे थे और मैं एक नॉक करता हूँ, उसके बाद हम लोग सोचते हैं चलो पीछे कोई मतलब था नहीं अपना इस घर पे, तो हम लोग थे तो पीछे वाला जो सैक था वो मतलब डाउन रेंज पे था, तो हम लोग सीधा पुश कर देते हैं उन लोगों के पास ओपन से, क्योंकि हम लोग को पता था कहीं नहीं पड़ने वाली। पीछे से बैठे हमारे, पीछे से बैठे हमारे। अब टीममेट यहाँ पे एक नेट फेंकता है जिससे पूरी स्क्वाड वाइप हो जाती है, अब हम लोग सोचते हैं कि वापस अपनी पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि अगर अपनी पोजीशन में कोई और आ गया तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। चला गया वन मंथ पे ओ भाई, तो वी आर डैम फोड़ जल्दी, वी आर डैम फोड़ ले, जोन में जाने जा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा जोन हो चुका था और अभी भी बहुत ज़्यादा बंदे आए थे, तो हम लोग ट्राई कर रहे थे मतलब सामने से किसी भी एक बंदे को नॉक करते हैं और थोड़ा किल भी मिलेंगे, तभी यहाँ पे एक BRDM की मुझे आवाज़ आती है और मैं जल्दी से मारने के लिए जाता हूँ। तो मार रहा है कितना दूर से, मार रहा है आपका, जल्दी आपका पीछे हो, पीछे हो। अबे उसको नॉक कर जो पूरा किल। हमारे पास जोन है ना, इधर एकदम सही जोन है, गाड़ी अंदर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे होते हैं इधर, तो मुझे कुछ बंदे देखते हैं तो शॉर्ट शॉर्ट लेने की ट्राई कर रहा होता हूँ मैं, और अभी जोन चलने वाला था अपना, तो इस बंदे को मैं ज़्यादा 2 शॉट कनेक्ट करवाता हूँ बस, ये बंदा कवर में चला जाता है। तो यहाँ से मैं गाड़ी लेता हूँ और सीधा फिर मैं अपना जोन के सामने, वो सैक जो नहीं था जहाँ BRDM खड़ी हुई है वो सैक, यहाँ पे हम लोगों को जोन मिल रहा था, तो हम लोग सोचते हैं चलो यार जाएंगे वहाँ पे और जोन पकड़ लेंगे, और अभी देखो मेरे साथ यहाँ होने क्या वाला है। भाई साहब मतलब ये वाला बंदा भाई पता नहीं कब ये यहाँ पे आके बैठा, इतनी देर से हम लोग थे, पर टीममेट्स का अच्छा कवर फायर पीछे से आ रहा था, इसे फिनिश नहीं कर सकता था मुझे कर दिया, और मेरा टीममेट घुस के मार देता है इसको एक टीममेट। अब यहाँ पर रिवाइव वाइव लेता हूँ और भाई मतलब एक गंदा गेम पड़ता, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ। अब देखो जोन देखो, दिख भी नहीं रहा जोन इतना छोटा हो चुका है, और फिर भी अभी भी 27 अलाइव थे। उधर से घूम के आता हूँ, रुक 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 रुक, यहीं पे रुक, यहीं पे यहीं पे रुक, यहीं पे बस जोन देख, माता रखो दे हाँ। उधर दो गाड़ी लेके चला गया तुम लोग, हम लोग की तरह स्मोक कर दौड़ेंगे हम लोग, जल्दी स्मोक करो, रोड पर पूरा रोड स्मोक कर दो। रुक रुक रुक, हिल करने दो,
जल्दी डाउन देखते हैं, उधर एक डाउन देख पकड़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को जोन में जाना था, तो जितना हो सकता था मतलब उतना ज़्यादा हम लोग स्मोक कर दे रहे थे। अब स्क्वाड रैंकस कर रहे हो आप लोग, तो स्क्वाड में तो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा काम आता है स्मोक, तो स्क्वाड में तो ज़्यादा ही उठाने चाहिए हमेशा। काम तो मतलब सब में आते हैं, लेकिन सोलो डुओ में तो चलो आप लोग अकेले हो तो हो जाता है काम 3-4 स्मोक में, लेकिन स्क्वाड में अगर आपको कहीं भी जाना है, अगर आपके पास से कम स्मोक है तो आप लोग कहीं भी, अगर गाड़ी नहीं है तो रोटेशन ही नहीं ले पाओगे भाई बिल्कुल, मतलब बचने के कुछ चांस ही नहीं है अगर स्मोक नहीं है तो। अब यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी उड़ाते हैं और जाते हैं जोन में। मार। अब यहाँ पर कुछ लोगों को मारने के बाद मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, और इसके तरफ मैं जाके इसको पहले रिवाइव करता हूँ। अब रिवाइव करने के बाद मुझे यहाँ पे एक बंदे दिखते हैं। अब भाई ये वाला मिनी का टैटो कैसा था भाई कमेंट सेक्शन में बताना, अगर पसंद आया तो लाइक तो जरूर कर देना, क्योंकि भाई एक ही वाला मिनी के स्प्रे में दो दो बंदे। अब जिन बंदों को मैंने मिनी से मारा वो बंदे मतलब उधर लोगों के साथ जोन भी था, तो हम लोग सीधा वहीं जाते हैं गाड़ी अपनी ठोक देते हैं। अब उन बंदों को जोन में आना था, तो हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, जैसे ट्राई करेंगे मारने के, क्या पता मार दें है ना क्या पता क्या मार ही देंगे इन्हें। अब उन्हें तो आना था ओपन में, तो हम लोग यहाँ पे जाके आराम से अपना बैठ जाते हैं, और अब आएंगे वो लोग तो देखो उनके साथ क्या सीन होगा। यहाँ पे एक इजी चिकन डिनर। अब भाई ये इतनी हार्ड लॉबी में चिकन किया, तो इस बात के लिए एक लाइक, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। आप लोग 25K के बहुत करीब है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।